लिम्फाइड सिस्टम में सबसे पहले तो आपको लिम्फाइड आर्कल के नाम आने चाहिए। पहला क्या है? लिम्फ नोड। लिम्फ नोड में आप देखो फीचर, ये बाहर से कैप्सूल है, कैप्सूल से ये ट्रेबिक्यूली आ रही है, फिर कैपिलरी जब अंदर जाती है तो फर्दर डिवाइड हो जाती है, तो ये कॉर्टेक्स हो गया, ये मेडुला हो गया। तो सबसे पहले क्या है, रूट ऑफ द लिम्फ फ्लो एंड फंक्शन, व्हाट व्हिच सेल्स प्रेजेंट इन द पैराकॉर्टेक्स। पैराकॉर्टेक्स वो एरिया है, ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है, इसके दोनों के जंक्शन में भी है, इसको कहते हैं पैराकॉर्टेक्स, एंड इट कंसिस्ट ऑफ टी सेल्स। बकिया में भी सेल्स होंगे, मेडुला में भी एंड कॉर्टेक्स में भी, मैक्रोफेजिस वगैरह तो होते हैं, लेकिन लिम्फोसाइट्स की बात करें तो हम उसमें बी होंगे और पैराकॉर्टेक्स में टी होंगे। अब आप यहाँ पे जो लिम्फ फ्लो मैंने बताया वो ये है, ये जो कैप्सूल है कॉन्वेक्स शेप, इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 to 6 जो है ना कॉन्वेक्स सरफेस पे एफरेंट वेसल्स ओपन हो रही हैं जो लिम्फ लेके आ रही हैं, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। वो कहाँ पे लेके आई? इस कैप्सूल के नीचे एक साइनस खाली सी जगह जिसको सब कहते हैं सब कैप्सुलर साइनस। तो लिम्फ सब लिम्फ एफरेंट के थ्रू सब कैप्सुलर साइनस में आया, फिर ये जो ट्रेबिक्यूली कॉर्टेक्स के एरिया में जा रही है इसके गिर्द भी आपको एक वाइट एरिया नज़र आ रहा है, तो इनको कहते हैं कॉर्टिकल साइनसिस। तो लिम्फ जो है वो सब कैप्सुलर साइनस से आएगा कॉर्टिकुलर साइनस में, फिर यही ट्रेबिक्यूली जब मेडुला में जाती हैं तो डिवाइड हो जाती हैं, तो इनको कहते हैं मेडुलरी साइनसिस, ये जो वाइट वाइट नज़र आ रही है, डार्क कलर वाली ट्रेबिक्यूली है, कनेक्टिव टिश्यू है, और जो इनके स्पेस है गिर्द वो स्पेस साइनस है। तो सबसे पहले जो लिम्फ आया किस में? एफरेंट वेसल्स में, फिर सब कैप्सुलर साइनस, कॉर्टिकल साइनस, फिर मेडुलरी साइनस, फिर हाइलम से हमारे पास 2 इफरेंट वेसल्स हैं उसके थ्रू बाहर निकल जाता है। कॉर्टेक्स में 3, 5 to 6 एफरेंट है, और जब बाहर निकलती हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 इफरेंट वेसल्स होती हैं। इस तरीके से ये है लिम्फ फ्लो, ये आपको आना चाहिए।